से अगर कोई आदमी आए तो भी ये लोग लिफ्ट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और जैसे कि पब्लिक और रात स्टेशन पे ही बिताना है। हम लोग अभी जगदलपुर स्टेशन में हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ की किरंदुल के लिए निकलेंगे। हमारी ट्रेन 08516 विशाखापट्टनम किरंदुल एक्सप्रेस आ रही है, जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाएगी। हम लोग पहले सुने थे कि छत्तीसगढ़ की लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है, और बहुत दिनों से ये लैंडस्केप देखने की इच्छा हमारे मन में थी। इसी मकसद से हम लोग जगदलपुर से किरंदुल की तरफ निकल पड़े। आप लोग भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की यह लैंडस्केप का सौंदर्य का आनंद लीजिए। जगदलपुर से किरंदुल इस रूट में सिर्फ दो ही ट्रेन चलती है, दोनों ट्रेन ही विशाखापट्टनम किरंदुल एक्सप्रेस है। एक सुबह विशाखापट्टनम से खुलती है और एक रात को। 08516 जिससे हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं, ये सुबह विशाखापट्टनम से 6:45 को खुलती है और जगदलपुर 4:30 बजे शाम को पहुंचती है, और यहां से निकल जाती है किरंदुल की तरफ। किरंदुल पहुंचती है रात को 8:30 बजे, और ये ट्रेन डेली चलती है। इसके अलावा और जो एक ट्रेन है उसका नंबर है 08514, और वो रात 9:20 को खुलती है विशाखापट्टनम से, और जगदलपुर से सुबह 5:10 को खुल के सुबह 9 बजे किरंदुल पहुंचती है। और ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, सैटरडे और वेंसडे को विशाखापट्टनम से खुलती है। किरंदुल छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान है, जिसकी खुदाई NMDC की निगरानी में होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है।
62 दूर है। अरे यहाँ से ना रास्ता है। हाँ हाँ एक रास्ता ज्यादा है। अच्छा ओके ओके, आप लोग जाएगा जाओगे ना उधर? ओ पहले ही है। अच्छा ओके, उस तरफ क्या है? उस तरफ क्या है मतलब रेलवे कॉलोनी है। अच्छा ओके, और इस साइड में टाउनशिप है क्या? किसका टाउनशिप है ये? NMDC का फुल फॉर्म कॉल लेगा। बिल्कुल सही बात है, समझ में आता है, समझ में आती है। बाहर से अगर कोई आदमी आए तो भी ये लोग लिफ्ट दे देते, मतलब नहीं पहले बस आता था, अभी बंद हो गया। बस आता था आपको बस स्टैंड तक है ना, छोड़ता था। अभी जब तक कोरोना हुआ ना बंद हो गया। बस हाउ पर भी मौका रहता है। देखो यहां पे कोई रहने की जगह होटल वाला, होटल नहीं है। बस स्टैंड कितनी दूर है? जाओगे मतलब कोई ऑटो भी नहीं है? बाहर से आए पुलिस लोग जाएंगे कैसे? आप ये रास्ता ओवर ब्रिज सामने मिलेगा, ओवर ब्रिज मच्छर राइट साइड सीधा चले जाओ, ब्रिज पार हो जाओ, रेलवे ब्रिज पार हो सीधा निकल जाओ पैदल। तो पैदल जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। किरंदुल पहुंच गए हम लोग, अभी स्टेशन पे ही रुके हुए हैं। बाहर गए थे तो पता चला यहाँ पे होटल तो है, 2-3 होटल है, पर यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, तो फिर से वापस इधर आसपास में कुछ दुकानें हैं वहाँ पे जाके कुछ खाना वाना खरीद लिए, वापस आ गए। दुकान में यही सजेशन दिया कि आप अगर होटल में जाना चाहते हो तो पैदल जाना पड़ेगा, और होटल नियरेस्ट होटल है 2.5 किलोमीटर। वो बस स्टैंड एक्चुअली यहाँ पे बस ज़्यादा चलती है, ट्रेन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ट्रेन से लोग मतलब ट्रैवल नहीं करते, और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो बस स्टैंड के आसपास ही जितने सारे होटल है वो बस स्टैंड के आसपास है। तो हम वापस फिर से आ गए, अभी स्टेशन में रह रहे, और खाने की भी काफ़ी दिक्कतें हैं, खाने की उतनी सारी दुकान नहीं है। एक दुकान मिली है हम लोगों को, वहाँ से थोड़ा चिकन चाउमीन मिल गया, तो अब वही खाएंगे, और रात स्टेशन पे ही बिताना है। आज चिकन चाउमीन यही हमारा खाना है, और वो भी स्टेशन में बैठ के खाना पड़ेगा। और सुबह 6 बजे यहीं से ट्रेन, जो जिस ट्रेन से हम लोग इधर आए थे उसी से वापस जाएंगे अराकू तक। ये हमारी ट्रेन है, हम लोग इसी से आए थे, और कल सुबह यही 6 बजे खुलेगी, इसी से जाने वाले हैं वापस, अराकू तक जाएंगे हम। अभी इधर बैठ के इंतज़ार करना है 6 बजे तक। Thank you.
अगले वीडियो में हम लोग जगदलपुर से आराकू तक का हमारा सफर आपके सामने रखेंगे।